3 दिन पुरानी है गाड़ी, पे पूरी पे PPF हो रखी है, VXI मॉडल है और भाई ने टॉप मॉडल की हेडलाइट लगा रखी है, अलॉय भी लगवा दिए। तो ये देखो भाई आर्नोल्ड भी लग चुके हैं, 200 एम्पेयर का भाई फ्यूज भी लगाया है साथ में। बेस का सेटअप है, उसमें डेवोन्स का एपोक्लिप्स आपका 20 100.1 का मोनो है। ये देखो भाई यहाँ से सारे इतने सारे कोई ग्राउंड के तार जा रहे हैं। वेलकम बैक टू आवर चैनल गाइस। तो कैसे हो सारे भाई? मौज आ रही है। तो भाई आज की वीडियो में एकदम ब्रांड न्यू स्विफ्ट खड़ी है भाई हमारे साथ, बिल्कुल नई, 3 दिन पुरानी, सिर्फ 3 दिन पुरानी जैसे भाई बता रहे हैं। और भाई इसमें इतना तगड़ा ऑडियो सेटअप भाई इंस्टॉल हो रहा है आज की, मैं क्या बताऊं, मतलब रात हो जाएगी भाई आज हमारे स्टोर पे लेवल आपको दिखेगा इसमें। मतलब कह सकते हैं कि भाई ऐसा सेटअप हम पहली बार कर रहे हैं स्टोर पे ना, इतना बड़ा लिथियम पे पहली बार, लिथियम पहली बार सेटअप सेम है लेकिन इसमें लिथियम नहीं लगेगी तो वो एक अच्छा कंटेंट है। शुरू में भाई एक चीज बता देता हूँ, नई गाड़ी है फिर भी भाई इसमें इतना बड़ा सेटअप लग रहा है कि भाई इसमें लिथियम बैंक लगा जा रहा है, तो भाई आप सोच सकते हो कि इसमें कैसा सिस्टम लगने वाला है। तो वीडियो को स्किप मत करना, इसकी पूरी देखना, अच्छी नॉलेज मिलेगी, मजा आएगा भाई, बहुत मजा भी आएगा आपको देखने। तो चलो भाई स्टार्ट करते हैं। तो हमारे साथ आ चुके हैं प्रतीक भाई, प्रतीक भाई और जिनकी गाड़ी है वो हमारे भाई। भाई क्या नाम है आपका? रवि नाम है। रवि नाम है भाई, कैसे हो? तो भाई सबसे पहले तो ये बताओ, गाड़ी सिर्फ 3 दिन पुरानी है और इतना मतलब कैसे जी करेगा कि लग रहा है, लग ही रहा है ना। तो भाई देखो भाई को मतलब बहुत अच्छा खासा, क्या बहुत ज्यादा तगड़ा शौक है ना म्यूजिक सिस्टम का, नहीं खुलवाते है ना, वो पीक जो मारेगा वो 2200 पीक मारता है, सही बात है, एट एनी कॉस्ट हमारा एम ट्रिप नहीं करेगा। अब ट्रिप करने का दो रीजन होते हैं, ये तो एम छोटा है, पावर नहीं है, पावर के लिए लिथियम है, पावर के लिए भाई लिथियम लग रही है पूरी, तो उस चीज के लिए टेंशन। और भाई देखो अगर इसकी बात करें उसकी जो स्पीकर लग रही थी भाई, इसमें मिड लग रही है भाई, सिल्वेस्टर वगैरह नहीं लग रही इसमें, चार लग रहे हैं मतलब भाई 180 RMS का अपना एक मिड भाई, मतलब कितनी चीखेगी भाई। अवतार के बुलेट टूटर्स हैं, अवतार के बुलेट टूटर्स 2-4 चैनल आपके, 4 आर्नोल्ड के लिए, एक मोगो का, एक इंडियन फायर पर भाई सिर्फ 2 ही मिनट बजेंगे ब्रिज करके, वो भी ब्रिज करके कैसे बजेगी कैसे नहीं बजेगी वो जिसकी गाड़ी पर डिपेंड करता है, सही बात है, ज्यादा कनेक्शन में घुसता है लोगों को समझ में आएगी। हाँ बोलेंगे क्या क्या बोल गए ना। और भाई करते हैं फिर आगे वीडियो, दिखाते हैं लोगों को कि क्या चल रहा है। भाई अपनी एक बार पेटी दिखाओ कि पेटी भाई अपनी कैसी रहेगी, पेटी में मजा कर दिया ना। तो भाई ये पेटी अपनी कुछ पूरी, ये भाई ब्रांड की बैजिंग, ये हमारी बैजिंग, ये देखो मोड्स नेशन, तो भाई बहुत तगड़ी लग रही है भाई, पूरी ट्यून्ड पेटी जो लो और लाउड दोनों मारेगी। तो भाई यहाँ पे आ चुकी है पेटी अपनी जो कि भाई लगने वाली है 1600 RMS की। पेटी आपको दिखा दी थी वूफर, ये रे साथ में प्रतीक भाई भी है, ये रे अभी सारी बातें पूछेंगे। और ये है भाई 800 RMS का एक वूफर, दो हो गए अपने भाई 1600 RMS के भाई डेप बोन्स, आप देख सकते हो ये मसाटे की भाई बैजिंग 3D में बढ़िया लगती है एकदम। तो यहाँ पे मैं बता देता हूँ भाई अगर फ्रंट से यहाँ से बात करूँ तो ये देखो पहले कि भाई बैटरी का जो प्लस है वो तो भाई एज इट इज लगा हुआ है, इसका माइनस हमने हटा दिया क्योंकि भाई इसमें लिथियम लग रही है तो डायरेक्ट कनेक्शन वहीं से हो जाएगा, तो इसको लगाने की भाई कोई ज़रूरत नहीं है अब। और यहाँ से देखो ये भाई जो आप देख रहे हो ये 35mm की तार आ रही है भाई Big 3 के लिए जो कि भाई अपने अल्टरनेटर में लग जाती है यहाँ पर। और अब एक बार भाई अंदर से बता देता हूँ आपको सारी चीज़ें कि भाई क्या चल रहा है क्या नहीं, क्योंकि गाड़ी में काम बहुत ज़्यादा भाई खिंच चुका है और मैंने भाई दिखाया नहीं आपको, तो सारी चीज़ें आपको कवर करके बताता हूँ। तो यहाँ पे देखो कि भाई इसके वायरिंग वगैरह सब कुछ हमने कर दिया बिल्कुल एकदम सेट, इसमें भाई 5290 लगेगा अपना, ये रहा भाई पाइनर का, तो बढ़िया आउटपुट आएगा भाई क्योंकि पाइनर का है तो। और यहाँ पर आप देखो कि भाई ये 3 अपनी RC केबल जा रखी हैं जो कि भाई इसके पीछे लगेंगे पाइनर के और जाएंगे भाई सीधे अपने M में। और ये आप चेक करो कि भाई इतने बड़े सेटअप में ना ये होना बहुत ज़रूरी है, ये वोल्टमीटर आप देख सकते हैं जिससे पता चलता रहे कि भाई कितनी मतलब ड्रॉप जा रही है, क्या वोल्टेज आ रही है भाई अपनी लिथियम की। और इधर से देखो यहाँ से जा रही है भाई अपनी सारी ये रिम, ये जो आप वायर देख रहे हो ना भाई ये है बेस कंट्रोलर की जो मोनो लगेगा, और ये आप सारी RC लीड यहाँ से जा रही है और यहाँ से जा रही है भाई सारी वायरिंग।
और अगर मैं गेटों की बात करूँ और मिड की बात करूँ तो ये देखो भाई आर्नोल्ड भी लग चुकी है बिल्कुल एकदम परफेक्ट। डैम पहले हो रखी थी भाई की गाड़ी और पीछे डैम करी वो चेक करा दूंगा। यहाँ पे आर्नोल्ड लग चुके हैं बिल्कुल बढ़िया फिटिंग के साथ। और एक आप ये वायर देख सकते हो जिसमें भाई आगे बुलेट टू ट्रिप लगेंगे एवेटार के, तो वो भी आपको मैं चेक कराऊंगा। और पीछे चलते हैं फिर भाई से पूछेंगे थोड़ा। खा लो और यहाँ पे देखो भाई, यहाँ से आ रही है भाई कुछ ऐसी ये वायरिंग जो कि आ रही है अपनी डायरेक्ट अल्टरनेटर से। और ये अपनी भाई लिथियम बैंक, जैसे आपको भाई दिखाई तो नहीं, मतलब प्रतीक भाई के ब्लॉग में देखी होगी आपने, है ना, ये लिथियम। तो लिथियम के बारे में बताना भाई। ये भाई 12 साल वाला है। 12 साल वाला अपने लिथियम बैंक है। अब मतलब गाड़ी की बैटरी की जरूरत ही नहीं है, ये सब झेल लेगी। और प्रतीक भाई एक ये भी बता दो कि जैसे 12 साल वाला लिथियम बैंक हमने फ्रेंड मतलब सबको दिखा दिया, तो अभी तो इसमें जैसे 1600 RMS रन करेंगे तो ये लिथियम कितने RMS झेल सकती है? भाई 2500 जलेगी। 2500 बजा सकते हैं हम बिल्कुल, कोई दिक्कत नहीं है ना, गाड़ी भी अपनी वर्किंग करेगी। और ये देखो भाई यहाँ से सारे इतने सारे कोई ग्राउंड के तार जा रहे हैं। अरे ये समझा देता हूँ पहले किस किस चार एम्प है जिनमें 3-4 जनरल है और एक लिथियम का है। देखो जो ये वाला ग्राउंड है ये तो भाई लिथियम का ही है जो कि नेगेटिव है, और जो ये दो जा रहे हैं भाई ये 4 चैनल के, एक इनमें से मोनो का और एक दूसरे 4 चैनल का, क्योंकि भाई यहाँ पे 4 एम्प लग रखे हैं। जैसे कि आप देखो दो लगेंगे भाई अपने इंटरफायर, एक लगेगा मोको, मतलब 3 तो हो गए 4 चैनल, और एक लगेगा एपोक्लिप्स का अपने डब बॉन्स का मोनो जो कि भाई 2100 RMS का मोनो लग रखा है इसमें। और ये भी देख लो कि इसमें भाई 200 एम्पेयर का भाई फ्यूज भी लगाया है साथ में। भाई फ्यूज लगाना वैसे जरूरी है? बिल्कुल जरूरी है भाई, कोई दिक्कत परेशानी है तो फ्यूज खराब हो जाएगा और हमारी वायरिंग बच जाएगी। वायरिंग बच जाएगी सारी, है ना, तो फ्यूज ही है। हाँ, और बाकी यहाँ पे भाई पूरे में करी है डैम्पिंग, नॉटलेस की अपनी डैम्पिंग करी है जो की बढ़िया है एकदम। बाकी हमारे फहीम भाई मेहनत कर रहे हैं सुबह से। और इधर देख लो भाई यहाँ पे मतलब चारों गेटों में भाई मेड वगैरह लग चुकी है, फाइनल काम रह रहा है। और साथ ही साथ इसमें वो भी लग रही है भाई कार्डी, भाई K3 लग रही है, K3 लग रही है कार्डी की K3 एम मेन लाइट। सारी चीज़ आपको चेक करा दी है। अब भाई मेन यही रह रहा है कि सारे भाई एक बार वायरिंग हो जाए एम्प की, मतलब वायरिंग हो जाए कि उसके प्लस वगैरह की और पावर वगैरह की रिमोट वायर की। उसके बाद भाई एक एक करके सबसे पहले मिड रन करेंगे, उसके बाद वूफर रखेंगे। क्यों फहीम भाई भी हमारे सुबह से मेहनत कर रहे हैं, बिल्कुल लाल हो गए। और आगे मैं आपको दिखाता हूँ जैसे जैसे काम चल रहा है। बाकी मैंने आपको वूफर चेक करा दिए, आर्नोल्ड अपने गेटों में लग चुकी हैं। और एक बार मैं आपको साथ साथ वो भी चेक करा देता हूँ कि जो भाई अपने जो बुलेट टूटर हैं एवेटार के, वो दिखा देता हूँ। जो अपने फ्रंट डोर हैं उनमें भाई ये दो लगे हैं बुलेट टूटर, क्योंकि भाई मिड के साथ बुलेट टूटर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पीछे से कुछ ऐसी भाई है, देख लो सेफ, आगे से वहाँ से दिखा दिए। बाकी मैं आपको दिखाता हूँ। और यहाँ पे भाई ने साथ साथ मीटर भी चेंज कर लिया वैसे भाई ने, है ना। चलो आ गए, एक बहुत अच्छा, अरे वाह, रील बनाऊंगा मैं, रील बनाएंगे और व्लॉग में भी दिखाऊंगा। और भाई ये थंबनेल लेंगे इसका सही से रख के, वो बैठा काम है लेकिन बहुत अच्छी रील बनाने को मना है, रील बनाने को मना। चलो भाई एक बार सेटअप बता दूंगा ना क्या क्या मैंने इसमें लगाया। सही बात है, सही बात। तो एक बार सेटअप से कर लेते हैं सारे सामान का, फिर दिखाता हूँ आपको। तो ये देखो भाई सब चीज़ के भाई डब्बे यहाँ पे रख दिए गए, जैसे इंटरफायर अपने दो लगे तो भाई दोनों इंटरफायर के ये डब्बे। और बाकी ये देखो भाई आर्नोल्ड जो अपने भाई मिड लग रही हैं डेब बोन्स की, और ये जो भाई अपना लगा है मोनो, और पाइनर का इसमें 5290 लगा है ये उसका है। और बाकी देख लो ये अपने 800 RMS के भाई दोनों वूफर। क्यों हंस रहे हो भाई? ये 5290 किसका है? किसका है? पाइनर का है। ये 5290 का है। और ये रखे अपने अवतार के, जैसे भाई कह रहे थे TS20। भाई मुझे पता ही नहीं। तो भाई ये अपने अवतार के बुलेट ट्यूटर, थंबनेल नहीं ले रहा, वीडियो बना रहा हूँ। तो भाई गाड़ी हो चुकी है पूरी कंप्लीट, अब एक बार दिखा देते हैं कि भाई ओवरऑल इसका क्या लुक आ रहा और क्या क्या। तो जैसे मैंने स्टार्ट करा था सेट करना, मैं कर देता हूँ। अच्छा तो ठीक है। तो भाई पहले तो गाड़ी सिर्फ 3 दिन पुरानी है, गाड़ी पे पूरी पे PPF हो रखी है, VXI मॉडल है, और भाई ने टॉप मॉडल की हेडलाइट लगा रखी है, अलॉय भी लगवा दिए, लास्ट सिस्टम का काम रह रहा था भाई ने आज वो भी करा, भाई बता दी PPF की भी। और यहाँ पे देखो भाई ये K3 लगा दिए, ये भाई एवेटार का अपने ट्यूटर हो गए बुलेट ट्यूटर। और अब लगाते हैं भाई ये रहा अपना 5290 जो कि पैनर का लगा रखा है इसमें, और साथ में भाई DSP भी था, पर इसकी भाई इनपुट वाली ये वाली लीड नहीं थी इसमें तो इसलिए लगाई नहीं। और टॉप मॉडल वाला भाई मीटर भाई लेके आए थे, हमने बस इंस्टॉल कराया इसमें, बाकी कुछ नहीं। और सबसे जो तगड़ी चीज़ है ना जो हमारे प्रतीक भाई ने करी है वो है ये देखो, ये तो भाई हो गया अपना बेस कंट्रोलर जो मोनो का है, और ये चीज़
बहुत तगड़ी करी है। जो भाई इसमें लिथियम लगी है ये उसके में से भाई वोल्टेज बताती रहेगी, जैसे कि देखो अभी गाड़ी बंद है कुछ भी स्टार्ट नहीं है। हाँ भाई बहुत बंदे खाली ये मीटर लगा देते हैं, ये दो तार सीधे डायरेक्ट आते हैं बैटरी से, जो कि हम बंदे वोल्ट मीटर में लगा देते हैं। सही बात है। ये क्या आप चाबी बंद करो चालू करो कुछ भी करो ये चलता ही रहता है, ये चलता ही रहता है। भाई एक स्विच लगा दिया बहुत अच्छा था बंद, अब ना हमारी बैटरी खराब होगी ना वो डिस्चार्ज होगी कुछ नहीं होगी कुछ नहीं। और मैंने इसमें भाई जो बड़े बड़े सेटअप हो जाते हैं ना हाँ। तो घर बाद ही मतलब बंदे गाड़ी बंद करी दो दो तीन दिन जिनकी गाड़ी खड़ी रहती है मेरी खड़ी रहती है तो क्या था बैटरी वो डिस्चार्ज करता ही करता है। अच्छा, अच्छा। जितनी बड़ा सेटअप रहता कहीं ना कहीं वो वोल्टेज जो है हल्के थोड़ी बहुत एम्पेयर वो बैटरी खाएगा ही खाएगा 0.5 0.4 ऐसा खाएगा तो उसका होता कुछ नहीं है। अगले दिन स्टार्ट करोगे तो बढ़िया हो जाएगी, लेकिन तीन चार दिन अगर आपने स्टार्ट नहीं करी तो भाई वो बैटरी गई फिर उसमें धक्का मारो लिथियम जैसी बैंक लगाने के बाद भी अगर धक्का मारा वो बात भी है तो भाई फिर तो भाई लिथियम बैंक अच्छे खासे खर्च कर देते हैं भाई पैसे। तो ये बहुत भाई अच्छी चीज है। देखो बंद गाड़ी में तेरा दिखा रहा है दुनिया 12.2 12.3 पे घूम रही है। अच्छा। स्टार्ट होने के बाद आती है 12.8 अभी स्टार्ट होने के बाद जाएगी 13.6 13.8 आराम से। और कितने बजा लो भर के और अब दिखा दे तुम्हारी एम वगैरह 12.8। अच्छा 12.8 12.6। और ये देखो भाई एम की प्लेसमेंट वगैरह फिटिंग वगैरह और वायरिंग वगैरह एक एक चीज मतलब इतनी बढ़िया तरीके से करी है हमारे भाई ने। भाई ये रहा अपना भाई मोनो एम जो कि लग चुका है और ये भाई 2444 लगे हुए हैं। वायरिंग आप चेक करो भाई बिल्कुल सही से हो रखी है। और अब मैं आपको एक बार वूफर भी चेक करा देता हूँ और यहीं पे भाई देख सकते हो अपनी कार्डिक K3 M मिडलाइट। यहाँ पे भाई एपोकलिप्स का स्टिकर भी लगा दिया, जैसे सभी को पता होगा कि भाई डेव बोन्स के सामान में जो भी हम लगाते हैं तो उनमें भाई ये सब आते हैं। और भाई सारी वायरिंग करी हमारे फहीम भाई ने। भाई देखो कितने बज रहे हैं, ये देखो 2:30 बज रहे हैं, 3 ही बज जाएंगे मतलब थोड़ी बहुत देर में। और यहाँ पे लगा रखे हैं भाई ये डेव बोन्स के ऊपर, जैसे आपको दिखा दिया था पेटी आपके सामने है। और सबसे ज़्यादा मस्त चीज़ है भाई पूरी इसकी वायरिंग, जिसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगा, वायरिंग का ही खेल होता पूरे ऑडियो में, है ना भाई। तो अब सुना देते हैं इसका आउटपुट और करते हैं अपनी वीडियो को एंड। तो भाई क्या हाल है बढ़िया एकदम। तो ब्लॉग एंड अब कर रहे हैं वो कर रहे हैं, देखो रात को थक जाते हैं तो भाई रात को थक जाते हैं भाई, हमें तो कैमरा उठा के ब्लॉग एंड थोड़ी कर सकते हैं ना। तो घर की भागी भागी लग रही है ना भाई, लग रही थी नींद आ रही थी, दो दिन से सोए नहीं थे। तो भाई देखो सेटअप वगैरह आपको दिखा दिया था भाई शिफ्ट में कैसे कैसे काम हुआ एकदम क्लीन सेटअप। अब लास्ट बात ये कर लेते भाई, हर भाई ये पूछता है कि भाई आप पूरी चीज दिखा देते पर पैसे नहीं बताते, ये गलत बात है भाई। पैसे बता देते हैं 1.5 लाख का सिस्टम है, 1.5 लाख का पूरा सिस्टम है ना, पूरा मिला मिलू के भाई 1.5 लाख का सिस्टम है। और भाई देखो सबसे कह रहे हैं हमारी तो भाई थोड़ी हो गई थी हालत खराब, पर किसी भाई को ऐसा सेटअप लगवाना हो तो दो दिन गाड़ी छोड़ के जाए, दो दिन गाड़ी, एक दिन गाड़ी छोड़ के जाए और अगले दिन लेके चला जाए रात को, टाइम लगता है क्योंकि बड़ा सेटअप है, क्योंकि भाई लिथियम वगैरह लगते हैं उससे कनेक्शन बहुत ज्यादा देख के करने पड़ते हैं। तो भाई आए 2 बजे के आसपास, अब 2 बजे भाई जब आएंगे तो रात के 2 तो बजने होंगे भाई, 12 घंटे तो चाहिए ना यार इतना बड़ा काम धाम करने के लिए। तो चक्कर क्या, इतनी सारी गाड़ी खड़ी है, अब 3-4 गाड़ी खड़ी है, इन्हें छोड़ कर मैं एक पर्टिकुलर एक सिंगल गाड़ी में तो लग नहीं सकता भाई। जो भाई आ जाएगा मेरी शॉप पर तो ये तो बोलूंगा भाई मैं इसमें काम कर रहा हूँ बाद में करूँगा, सारी भाई अटेंड करने पड़ते हैं भाई सारे कस्टमर सारे भाई अपने बिल्कुल। तो इसी के साथ व्लॉग करते हैं, व्लॉग तो बहुत तगड़ा ही लगा होगा। अच्छा क्योंकि भाई मजा आया हमें खुद भी इसमें, है ना, मेहनत हाँ बहुत ज्यादा मेहनत थी। तो व्लॉग को एंड करते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, मिलते हैं एक न्यू व्लॉग में। आप अपने स्टाइल में बोल दो तो भाई मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक राम राम जय बाबा की।